नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। वो कारण जिनकी वजह से मोदी सरकार से बाहर हुई नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह शपथ ग्रहण समारोह जश्न के साथ मनाया गया, लेकिन इस जश्न का मजा किरकिरा कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर इस सरकार से अपनी पार्टी को बाहर रखने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार की नाराजगी ने भाजपा के रंग में भंग जैसा माहौल पैदा कर दिया। आखिर क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने दूसरी बार भाजपा और नरेंद्र मोदी से दुबड़ी बनाने का फैसला ले लिया? क्योंकि ऐसे फैसले लेना ऐन वक्त पर किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए आसान बात नहीं है। आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं नीतीश कुमार की भाजपा से नाराजगी की वजह। नीतीश कुमार 2015 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आराम से बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने स्वयं आगे आकर नीतीश कुमार को हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया, जिसे नीतीश कुमार ने भी बिना वक्त गवाए सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस वक्त भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया गया कि जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दी जाएगी और आपकी सरकार में भाजपा मंत्रिमंडल में अपनी जगह पाएगी, पर ऐसा हो न सका। बिहार में सरकार बनाने के बाद भाजपा अपने वायदे से मुकर गई। नीतीश ने तो भाजपा के विधायकों को अपनी सरकार में जगह दे दी, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे दी, लेकिन बारी आई जब भाजपा की, उन्होंने अपनी केंद्र सरकार में जदयू को ठेंगा दिखा दिया। अब लगातार दूसरी बार भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने दगाबाजी करने की कोशिश की। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। अब 6 सीटें जीतने वाली लोजपा को भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक स्थान, और वो भी राज्यसभा की एक सीट के साथ, और 16 सीटें जीतने वाली जदयू को सिर्फ एक मंत्री पद। नीतीश कुमार भाजपा के इस रवैये से बुरी तरह नाराज हैं और मजबूर होकर उन्होंने भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से बाहर होने का फैसला ले लिया। धन्यवाद।